तो हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी एकदम मस्त होंगे और आगे भी इसी तरह मस्त रहना। तो गाइस आज है 1 अप्रैल और हमारे गेम के अंदर आ चुका है न्यू बुया पास। और आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले अप्रैल मंथ के बुया पास डिस्काउंट इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ। और बुया पास डिस्काउंट इवेंट कब आएगा इसका कन्फर्म डेट बताएंगे। और तो और न्यू मिस्ट्री शॉप के बारे में भी बताने वाला हूँ। न्यू मिस्ट्री शॉप के बारे में भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुकी है। तो हमारे गेम के अंदर न्यू मिस्ट्री शॉप कब आएगा इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। फिर गाइस यार इसी तरह और भी काफी सारे अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स का इंफॉर्मेशन है। जैसे कि गाइस आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले ईवो M1040 गन स्किन रिटर्न के बारे में बताऊंगा। भाई सच्ची में यार M1040 पे इतने सारे कमेंट, भाई मैं तो खुद ही देख के पगला गया। इसलिए गाइस यार मेरा भी मन कर रहा है ईवो M1040 के बारे में कुछ खास चीज बताने का। और तो और इसका कन्फर्म डेट भी बताएंगे। उसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे सरप्राइज रिवॉर्ड के बारे में। गरेना फ्री फायर ने कल के दिन हम लोगों को एक अनाउंसमेंट किया था कि 1 अप्रैल को हम लोगों को कुछ गिवे मिलने वाला है। बट गाइस यार 1 अप्रैल तो आज ही है, लेकिन आज सुबह 10 बजे आप लोगों को पता चल जाएगा। और गिवे में क्या कुछ मिलेगा वो तो आपको वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए कह रहा हूँ गाइस आप लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखना है। वीडियो को आप लोग कहीं पे भी स्किप मत करना, वरना गाइस यार आप लोग काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और एक और अनाउंसमेंट कर देता हूँ, संडे को होगा Q&A जो कि इंस्टाग्राम पे होगा। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चाहो तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। बाकी हाँ संडे को आप लोग Q&A में क्वेश्चन पूछना मत भूलना, याद से आप लोग इंस्टाग्राम पे दोपहर के 11 बजे आ जाना। फिलहाल गाइस यार अभी आप लोगों को फालतू का टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में। तो गाइस अभी के टाइम में हमारे गेम के अंदर जो इनक्यूबेटर रन कर रहा है वो हमारा वुड पेकर गन स्किन का इनक्यूबेटर रन कर रहा है। और ये जो इनक्यूबेटर है वो हमारे गेम के अंदर से 3 दिन के बाद में रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद में गाइस हमारे गेम के अंदर कौन सा नया इनक्यूबेटर देखने को मिलेगा, चलो गाइस मैं आपको हमारा नया इनक्यूबेटर का रिव्यू करके बता देता हूँ। तो गाइस सभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो आप लोग बंडल का इनक्यूबेटर देख पा रहे हो, इस इनक्यूबेटर के अंदर हम लोगों को 2 मेल बंडल और 2 फीमेल बंडल मिलेगा। तो जो हमारा दूसरा बंडल है मेल बंडल, इसका लुक देख सकते हो। उसके बाद में जो हमारा तीसरा बंडल आता है वो हमारा यहाँ पर गोल्डन टाइप का फीमेल बंडल है, और इस बंडल का भी लुक आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जो हमारा दूसरा फीमेल बंडल है यहाँ पर कुछ ब्लू टाइप का यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी बंडल की बात करें तो गाइस बंडल तो काफी ओपी तरीके से डिजाइन किया गया है। मैंने आपको दोनों मेल बंडल और दोनों फीमेल बंडल दिखा दिया है। और यही वाला जो इनक्यूबेटर है वो हम लोगों को नेक्स्ट में हमारे इंडिया सर्वर के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस हमारे गेम के अंदर एक और नया इनक्यूबेटर था जो कि हमारा UGI गन स्किन का इनक्यूबेटर था। और उस गन स्किन का जो टॉप वाला गन स्किन था वो हमारे गेम के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। तो वो वाला जो इनक्यूबेटर है वो हम लोगों को नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हमको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमारे गेम के अंदर एक और यहाँ पर इनक्यूबेटर रिटर्न देखने को मिलेगा, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट एक इनक्यूबेटर रिटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोगों को UGI का इनक्यूबेटर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी का जो हमारा नेक्स्ट इनक्यूबेटर आएगा वो हमारा जो बंडल मैंने दिखाया है वही वाला इनक्यूबेटर हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल गाइस आप लोगों को हमारे नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बंडल पसंद आए होंगे। अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाइस हमारे गेम के अंदर आने वाले ईवो M1040 गन स्किन रिटर्न के बारे में। गाइस ईवो M1040 पे इतने सारे कमेंट्स, भाई मैं तो खुद ही देख के पगला गया। गाइस हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में बस यही कमेंट आता कि ईवो M10 कब आएगा, ईवो M10 का कंफर्म डेट बताओ। तो मैंने सोचा चलो गाइस आप लोगों को ईवो M1040 रिटर्न के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दिया जाए। तो सबसे पहली बात तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, अभी के टाइम में हमारे गेम के अंदर जो ईवो गणेश की रिटर्न में आया हुआ है वो हमारा ड्रेको AK गणेश की रिटर्न में आया हुआ है। और ये जो हमारा गणेश स्किन है वो हमारे गेम के अंदर से 2 से 3 दिन में रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में गाइस हमारे गेम के अंदर जो ईवो गणेश की रिटर्न आ सकता है 100% कंफर्म नहीं है, बस 95% चांस है। अभी हमारे गेम के अंदर जो नेक्स्ट में ईवो गणेश स्किन रिटर्न आएगा वो हमारा ईवो M1040 का गणेश स्किन रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि गाइस पिछली बार हमारे गेम के अंदर जब ड्रेको AK ईवो गणेश स्किन रिटर्न आया था तो उस टाइम पे गाइस जो नेक्स्ट में आया था वो हमारा ईवो M10 का रिटर्न आया था। तो इस बार भी गाइस हम लोगों को हमारा नेक्स्ट में ईवो M10 का गणेश स्किन रिटर्न में देखने को मिल सकता है। उसके बाद गाइस हमारा जो कोबरा MP40 है वो रिटर्न आएगा। एंड उसके बाद में हमारे गेम के अंदर या जो एक्समेट का स्किन है, इस्कार का स्किन है, वो रिटर्न देखने को मिल सकता है। अभी काफी ज्यादा चांसेस है कि हम लोगों को हमारा ईवो M10 गन स्किन रिटर्न में देखने को मिल सकता है। फिलहाल गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग न्यू लुक चेंजर इमोट के बारे में। तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, जो हमारे गेम के अंदर अपकमिंग न्यू लुक चेंजर इमोट आने वाला है वो हमारा स्कॉर्पियो लुक चेंजर आएगा। और ये आप लोग मैच के अंदर भी एक्टिव कर पाओगे और अपने ग्रुप के अंदर भी आप लोग लुक चेंजर वगैरह कर पाओगे। तो इसका जो लुक वगैरह एनिमेशन वगैरह आप लोग देख सकते हो, यही हमारा न्यू
लुक चेंजर आने वाला है, जो कि गाइस हमारा स्कॉर्पियो इवेंट के थीम पर रहेगा और ये हम लोगों को मई मंथ के अंदर देखने को मिलेगा। अभी हमारे गेम के अंदर अपना जो स्कॉर्पियो का वेगा इवेंट है ये हम लोगों को मई मंथ के अंदर देखने को मिल जाएगा। और जहां तक मुझे लग रहा है ये जो हमारा न्यू लुक चेंजर इमोट है ये हम लोगों को टोकन टावर इवेंट के अंदर देखने को मिल सकता है या फिर गाइस हम लोगों को हमारे फिटेडविल इवेंट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अप्रैल मंथ के बुया पर डिस्काउंट इवेंट के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही है आज हमारे गेम के अंदर नया बुया पास आ चुका है जो कि अप्रैल मंथ का बुया पास है। और आप लोगों को पता ही है गाइस हमारे गेम के अंदर बुया पास अभी बहुत ज्यादा स्पेशल आते हैं, मतलब बुया पास के अंदर अभी चार चार बंडल आते हैं गाइस। अपना जो अप्रैल मंथ का बुया पास है इसका जो फीमेल बंडल है, फीमेल बंडल का लुक वगैरह आप लोग देख सकते हो। फिर उसके अंदर जो हम लोगों को बैनर अवतार मिलेंगे, यहाँ पर जो हमारा लूट बॉक्स है, यहाँ पर जो हमारा P90 का गन स्किन है, उसके अलावा गाइस यहाँ पर जो हमारा मेल बंडल आता है मेल बंडल भी मैं आपको दिखा दूंगा। उससे पहले यहाँ पर आप लोग यहाँ पर व्हीकल का स्किन वगैरह आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर गाइस यार ये सपोर्ट का स्किन है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा अप्रैल मंथ के अंदर जो हमारा मेल बंडल है, मेल बंडल का जो नॉर्मल सा बंडल है, नॉर्मल बंडल आप लोग देख सकते हो। एंड उसके बाद में गाइस यहाँ पर जो बंडल है इसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा टोकन से। एंड टोकन से आप लोग अपग्रेड करोगे तो यहाँ पर एनिमेशन और इफेक्टिव टाइप का यहाँ पर बंडल देखने को मिलेगा हमारे अप्रैल मंथ के बुया पास के अंदर। तो इस बार का जो अपना बुया पास है वो थोड़ा ठीक ठाक है, इतना भी ज्यादा हाई लेवल में अच्छा नहीं है। बाकी गाइस आप लोगों को हमारे अप्रैल मंथ के बुया पास के रिवॉर्ड पसंद आए या फिर नहीं आए मुझे कमेंट करके बताना। बाकी 5 स्टार में से आप लोग इस वाले बुया पास को कितना स्टार देना चाहोगे, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार 4 स्टार जो भी है आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अभी हम लोग बात करते हैं ये जो हमारा अप्रैल मंथ का बुया पास है वो हम लोगों को डिस्काउंट में देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि गाइस सर देखो जो अपने गेम के अंदर जो बुया पास आ रहे, जनवरी मंथ का बुया पास आया, फरवरी का आया, मार्च का आया, अभी हमारे गेम के अंदर अप्रैल मंथ का बुया पास आया, लेकिन इनमें से कोई सा भी बुया पास फ्री फायर के किसी भी सर्वर में अभी तक डिस्काउंट में देखने को नहीं मिला है। और ग्रेना फ्री फायर जो हमारे जो पहले का जो बुया पास है जैसे जनवरी का है जो स्टार्टिंग के बुया पास है, इनको ग्रेना फ्री फायर रेयर बना रहा है इसलिए गाइस अभी यहां पर डिस्काउंट में देखने को नहीं मिल रहे। बट गाइस देखो इस बार का जो अपना अप्रैल मंथ का बुया पास है वो काफी ज्यादा चांसेस है कि हम लोगों को डिस्काउंट में देखने को मिले। बाकी एक रीजन ये भी है कि अभी हमारे गेम के अंदर नए नए बुया पास आ रहे, स्पेशल यहाँ पर बंडल आ रहे हैं, तो काफी सारे बंदे लोग यहाँ पर है ना डायरेक्टली बुया पास को परचेस कर रहे हैं, मतलब इंडिया सर्वर के ऊपर भी बहुत सारे बंदे बुया पास को परचेस कर रहे हैं, जिससे ग्रेना को यहाँ पर बुया पास के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। बट यहाँ पर जैसे बुया पास को कम लोग परचेस करेंगे, मतलब कम परचेस करेंगे, तो फिर ग्रेना फ्री फायर हम लोगों को लालच देगा, तब हम लोगों को यहाँ पर अपना जो बुया पास है वो बुया पास के अंदर ही हम लोगों को यहाँ पर 50%, 40%, 60% यहाँ पर डिस्काउंट में मिलेगा, तो हम लोग आराम से यहाँ पर बुया पास वगैरह ले पाएंगे। तो अभी एक दो बुया पास और है, उसके बाद में हम लोगों को हर एक बुया पास डिस्काउंट में देखने को मिल जाएंगे किसी और स्पेशल डिस्काउंट इवेंट के अंदर। और रही बात हमारे गेम के अंदर आने वाले न्यू मिस्ट्री शॉप की, तो गाइस देखो हमारे गेम के अंदर इसी अप्रैल मंथ के अंदर रमजान का इवेंट आ रहा है और पिछली बार भी हम लोगों को रमजान इवेंट के अंदर मिस्ट्री शॉप देखने को मिला था, तो इस बार भी हम लोगों को रमजान इवेंट के अंदर मिस्ट्री शॉप देखने को मिलेगा। 95% चांस है, अभी कंफर्म नहीं है बट अदर सर्वर में यहाँ पर कंफर्म हो चुका है मिस्ट्री शॉप रमजान का। तो इंडिया सर्वर के ऊपर भी हम लोगों को 24 या फिर 25 अप्रैल तक हमारे गेम के अंदर रमजान का मिस्ट्री शॉप देखने को मिलेगा। तो रमजान का जो मिस्ट्री शॉप है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर रिव्यू करके बता दूंगा। फिलहाल तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही इंफॉर्मेशन था। अगर उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यहाँ से नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।